हेलो फ्रेंड्स, महताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है वॉशिंग मशीन के बारे में, यानी वॉशिंग मशीन में आज हम ड्रायर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आज आपको हम 7 ऐसे फॉल्ट बताएंगे जिसके वजह से हमारा ड्रायर काम नहीं करता है। तो ज़्यादा देर न करके ये वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर 1 फॉल्ट आपको बताने जा रहे हैं, जो हमारा ब्रेक होता है। अगर हमारा ब्रेक हमारे रूटर के साथ चिपक जाएगा तो क्या होगा, वो ब्रेक लगने के कारण से हमारा जो ड्रायर वो काम नहीं करेगा। तो हमको ये बात का ध्यान देना है, सबसे पहले ब्रेक को हम हाथ से फैला के देख लेंगे कि हमारा ब्रेक जो है चिपका हुआ तो नहीं है, और ड्रायर एकदम फ्री होना चाहिए। मोटर के ऊपर से आप हाथ लगा के उसको आप चेक करेंगे, अगर आपका ड्रायर फ्री है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये ब्रेक जो है वो आपके जो है वो ड्रायर से टच नहीं कर रहा है। और नंबर 2 है कि अगर आपकी मोटर भी खराब हो जाएगी तब भी पर आपका ये ड्रायर काम नहीं करेगा। नंबर 3, अगर आपका ड्रायर का ढक्कन आपका ढक्कन टूट जाता है तब भी आपका ड्रायर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ड्रायर का जो ढक्कन होता है, ढक्कन में बेल्ट लगी होती है और वो बेल्ट सीधे हमारी ब्रेक का काम करती है। यानी कि हम ढक्कन को बंद कर देते हैं तो ब्रेक हमारा हट जाता है, और जहां हम ढक्कन को खोलते हैं तो ब्रेक लग जाता है। तो क्या होगा, अगर ढक्कन का वो जिसमें बेल्ट लगा हुआ है वो चीज़ टूट जाएगा तो हमारा जो है बेल्ट लूज हो जाएगा और ब्रेक लग जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो है ड्रायर बिल्कुल ही घूमेगा नहीं, यानी बिल्कुल काम नहीं करेगा। नंबर 4, वो ढक्कन से ही हमारा एक साइड में लगा होता है सेफ्टी स्विच। आप देखेंगे, अगर ढक्कन को हम बंद करते हैं तो सेफ्टी स्विच हमारा टच हो जाता है आपस में, जिसके वजह से हमारे मोटर को करंट मिलता है और मोटर चलती है। अगर सेफ्टी स्विच में कार्बन आ गया या किसी वजह से हमारी सेफ्टी स्विच काम नहीं करती है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी मोटर तक करंट नहीं जाएगा, आपका ड्रायर भी काम नहीं करेगा। नंबर 5, आपका ड्रायर अगर बफर से काफ़ी दिन ना यूज़ करने के बाद क्या होता है, बफर के अंदर जो हमारा जो बुश होता है वो हमारे ड्रायर में जाम हो जाता है, जिसके वजह से नहीं चलता है। देखिए, ये हमारा ड्रायर है, ड्रायर के नीचे ये हमारा बफर लगा होता है, ये बफर में ही ये बुश होता है, ये इस डिज़ाइन से लगा होता है। तो अब ज़्यादा क्या होता है कि अगर हमारा ये ड्रायर ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं होता है तो ये बुश में जंग आ जाता है और ये जंग हमारे शाफ्ट में पकड़ लेता है, जिसके वजह से ये ड्रायर जो है हमारा जाम हो जाता है। तो ये वजह भी होती है, अगर ये ड्रायर हमारा जाम हो जाएगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे आपका ड्रायर काम नहीं करेगा। नंबर 6 है हमारा ये टाइमर। ये हमारा ड्रायर का टाइमर है, इसमें 2 वायर होते हैं, एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। अगर ये हमारा टाइमर आउटपुट नहीं निकाल रहा है, यानी कि टाइमर अगर हमारा ख़राब है तब भी पर हमारा ड्रायर काम नहीं करेगा। 7वां नंबर है ये हमारा बेल्ट। ये जो बेल्ट है ये हमारा ढक्कन से ले कर ये सीधे जाके ब्रेक में लगता है। अगर ये हमारा बेल्ट टूट जाता है तो क्या होगा, ब्रेक हमारा लूज हो जाएगा और सीधे हमारे ड्रायर से चिपक जाएगा, जिसके कारण से आपका ड्रायर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो ये 7 वजह हमारे ड्रायर न चलने की है। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर ना हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।